क्या नाम है आपका और क्या क्या रहा अभी तक, कैसा संघर्ष रहा? अंकुर शर्मा नाम है मेरा, कानपुर मंडल में रहते हैं और लोकसभा में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ता जितने भी हैं सभी काम कर रहे हैं। तो हम लोग हिमाचल प्रदेश के लिए प्रस्थान किया, तो हिमाचल प्रदेश के माननीय कंगना रनावत जी की सीट जो कि मेन भारतवर्ष की सबसे इस समय लोकप्रिय सीट है, उस पर हम लोगों ने काम किया। अनुराग ठाकुर जी के लिए हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया, मतलब 5-6 दिन का 7 दिन का प्रवास हम लोगों का हिमाचल प्रदेश का रहा, जिसमें सर्वप्रथम हम लोगों ने वहाँ के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी से जो है उनसे मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लेके हम लोगों ने प्रचार शुरू किया। उसके बाद सुरेश कश्यप जी जो कि फरुखाबाद में भी यहाँ आए थे प्रभारी बन के, उनके चुनाव हम लोगों ने समय दिया और कंगना जी के चुनाव में समय दिया, अनुराग ठाकुर जी के चुनाव में समय दिया। कंगना रनौत के चुनाव प्रचार में हिमाचल में आप लगे रहे, क्या किस तरह से पूरा चुनाव रहता था, कब निकलते थे आप, कैसे जाते थे और कैसे लोगों को सरकार की जो उपलब्धियां थी उनको समझाते थे? देखिए हिमाचल प्रदेश में कंगना जी तो हिंदू शेरनी के नाम से प्रसिद्ध है, तो पूरा देश देख रहा है। और कंगना जी का चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री जी जो पूर्व में रहे उनके पुत्र वहाँ से लड़ रहे हैं। तो कंगना जी की प्रक्रिया ये थी कि सुबह वो अर्ली मॉर्निंग जो है अपने चुनाव प्रचार के लिए निकल जाती थी, पूजा पाठ करके हम सारी टीम, हमारी टीम जो भी थी हमारे साथ और भी लोग थे, सब लोग हम लोग अपना प्रचार के अनुसार निकल जाते थे। तो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के जो भी योगी जी का भी नाम पूरे देश में है, अब योगी जी के जब लोगों को पता चला कि उत्तर प्रदेश से आए हैं भाई, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने आए हैं कंगना जी को, तो लोगों ने हमें ज़्यादा पकड़ा पकड़ के बहुत सी चीज़ें उत्तर प्रदेश के बारे में पूछी, तो हमने उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर पे और चीज़ें समझाई, तो लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश का मॉडल जो है वो हिमाचल तक में हिमाचल तक आए ये। तो यही प्रक्रिया हम लोग यही मतलब सहयोग की दृष्टिकोण रहा हम लोगों का कंगना जी के चुनाव में। बहुत से यहाँ से मिलने वाले हमारे यूपी के हिमाचल प्रदेश में हैं जिनके लिए उन्होंने जिम्मेदारी दी कि उन्होंने बताया ये लोग उत्तर प्रदेश के हैं, इनसे आप मिलिए, टारगेट करिए, व्यूज दीजिए, तो हम लोग लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी की कंगना रनौत की अगर बात करें तो विपक्ष एक अलग चश्मे से लोगों के बीच जा रहा था, अलग चीज़ें दिखा रहा था, उन चीज़ों को आप कैसे सही कर रहे थे और पूरा जनता को समझा रहे थे, या कोई खास कोई टॉपिक लेके जाते थे उनको समझाते थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है और मोदी जी को जिताना है, कैसे समझाते थे, क्योंकि विपक्ष एक अलग चश्मा से दिखा रहा था लोगों। देखिए कंगना जी तो स्वयं में सेलिब्रिटी हैं और भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों को चलने का उन्होंने पूरा विचार किया हुआ, मन बनाया हुआ और चल भी रही हैं। तो उसी दृष्टिकोण से हम लोगों ने जनता के बीच में उनसे कहा कि मतलब इस तरीके से कंगना जी को जिताइए, कंगना जी को वोट दीजिए, नया पॉलिटिकल कैंडिडेट ना हो नहीं है आपका, लेकिन अब आपके लिए सेवा के तौर पे वो आई हैं, सेवा करना चाहती हैं, वो साफ तौर से उनका मन दिखता है कि जनता की सेवा के लिए वो भाजपा की तरफ से उन्होंने अपने कमर कसा है और उसके लिए प्रयत्नशील है, उसी के दृष्टिकोण हमें उन्होंने मार्गदर्शन किया, उसी के हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया उनका। और कहाँ कहाँ रहे आप? और हम लोग हमीरपुर रहे अनुराग ठाकुर जी की सीट पे, अनुराग ठाकुर जी की भी पुरानी सीट है, कई बार के सांसद है वो, तो उन्होंने मेन दायित्व तो हमारा यही रहा कि यूपी से पहुंचे थे हम, तो यूपी से जुड़े लोग जो भी थे उन्हें मतलब मैंने उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने हमें जो है जिम्मेदारी दी। अच्छा, और स्टोरेटो में एक बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा चलती रही है और लगातार जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी उसको काफ़ी लोगों को बताते रहे अदर स्टेट में, बुलडोजर को लेके, एक बड़ा बुलडोजर एक बड़ा अलग सा शब्द है और लोग अदर स्टेट में चाहते भी हैं कि जो योगी जी का मॉडल है बुलडोजर, उसको किस तरह से लोगों को बता रहे थे आप? देखिए जब उत्तर प्रदेश की बात आती है, जब वहाँ लोगों को पता चला कि उत्तर प्रदेश से आए हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल से आए हैं, तो सर्वप्रथम लोगों को उत्तर प्रदेश का जब नाम आता है तो सर्वप्रथम मुख्यमंत्री हमारे जनता के प्रिय योगी आदित्यनाथ जी का ही नाम आता है और उनके लाइन आर्डर पे ही चर्चा होती है, उनके बुलडोजर पे ही चर्चा हुई, तो बाकी चीजें तो आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोग देखते ही हैं, लेकिन हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री जी को बहुत करीब से देखा है और जो उनकी छवि को देखा है, उनके कार्य करने के तरीके को देखा है, वो हमने जनता के सामने रखा कि हमने की एक एक चीज को वो बड़ी बारीकी से देखते हैं और अपने प्रशासनिक अधिकारियों को बड़ी बारीकी से आदेशित करते हैं कि इस तरीके से काम होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, तो यही चीजें हमने उन्हें समझाई। अच्छा, आखिरी सवाल, बनारस में आप होके आए अभी, काफ़ी हॉट सीट है पूरे देश में बनारस, क्योंकि
प्रधानमंत्री जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां का जनता का मूड कैसा था और आपने लोगों ने किस तरह से मेहनत की है वहां? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अपनी क्या कहें, पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है और जो देश के लिए काम करेगा वही देश पे राज करेगा, इस दृष्टिकोण को रखते हुए प्रधानमंत्री जी से तो मेन मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी दोनों लोगों से इतने प्रभावित हैं, उसी दृष्टिकोण से हम हिमाचल गए क्योंकि उनकी कंगना जी की सीट पे हमने कार्य किया वहाँ जाके मेनली, और फिर बनारस आए, बनारस में जो वहाँ के प्रभारी लोकसभा क्षेत्र के अरुण पाठक जी जो कि हमारे गुरु जी भी रहे और उनका कई जगह मार्गदर्शन हमें रहा, तो उनके वहाँ हम पहुँचे, उनके साथ हमने करीब 3-4 दिन जो भी चुनाव प्रचार माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया तो वहाँ बराबर हम लोग लगे रहे, दयालु जी वहाँ मंत्री हैं उनके साथ हम लोगों चुनाव बताए, ये मतलब मोदी जी के 400 पार का जो नारा था उसे सफल बनाने के लिए जितनी मदद कर सकते थे मेहनत कर सकते थे, अदर राज्य में भी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह हमने जाके कार्य किया। किन किन लोगों का आशीर्वाद मिला बनारस से आपको? बनारस में हमें एक तो बागपत के जो पहले प्रत्याशी रहे सांसद जी उन्हें इस बार टिकट नहीं मिली तो वो रहे, उनसे मुलाकात हुई, और दयाशंकर दयालु जी जो कि वहाँ से MLC हैं मंत्री हैं इस समय खाद्य रसद मंत्री उनके साथ रहे, मेन जो लोकसभा क्षेत्र प्रभारी अमर पाठक जी उनके मार्गदर्शन में सारित्य में हमने कई दिन कार्य किया, हम इतना मेहनत कर सकते थे। व्यापारी संगठन हमारे साथ एक कानपुर से गया था व्यापारी अध्यक्ष और उसमें लोग कुछ लोग उन्होंने व्यापारियों को करके हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया। क्या उम्मीद लग रही है आखिरी सवाल? उम्मीद तो 400 पार की है मोदी जी के साथ।